एंड काफ़ी एक्चुअली सुनसान रास्ता है एंड सिर्फ हम यहाँ पे तीन लोग हैं इस पूरे मुक्तेश्वर में, सिर्फ तीन लोग हैं। एंड एक्चुअली जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि लोग यहाँ पे नहीं हैं, और मैं ये सोच रही थी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह यार, यहाँ पे कुछ ना मेरे को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड प्लीज़ ये कचरा प्लीज़ इग्नोर कर देना, वो एक्चुअली ना मेरा आजियो का पार्सल पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, आपने ये पैंट्स ऑलरेडी देखे हुए हैं मेरे ऑफिस वाले ट्रिप में, मैं यही पहन के गई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे थे। एंड दिस टॉप फ्रॉम H&M एंड ये आपने देखा हुआ है, पता नहीं क्यों हंस रही है, तूने स्टार्ट कर दिया ना, ये मुझे ब्लॉग नहीं करने देगी। एंड दिस इज़ फ्रॉम जीवा, आई जस्ट लव इट। एंड मुझे ना एक्चुअली ये आउटफिट ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं ऑफिस जा रही हूँ अभी 3 बजे उठ के, लिटरली। सो लेट्स गो, बाय। अरे मैं आई नहीं वाली, तू इधर आ ना। हाय गाइस, सो वी आर एट द स्टेशन एंड हम लोग काफ़ी टाइम से पहले हैं, 1.5 घंटे पहले पहुंच चुके हैं हम लोग, और पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। मतलब मेरी पहले ट्रिप की थकान अभी निकली नहीं है कि दूसरी चालू हो चुकी है, पता नहीं मेरा क्या होगा। एंड ऑल्सो मेरे साथ 2 लड़कियाँ, बेवकूफ़ लड़कियाँ जा रही हैं, बट आपको पूरी यही फील आएगी कि मैं सोलो ट्रिप पर हूँ, तो मेरे को भी ब्लॉग एडिट करते वक्त ये लगेगा कि मैं सोलो ट्रिप पे हूँ। और ना मैं अभी बैठ के सिर्फ इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बोरिंग माहौल है यहाँ पे। फाइनली एंड ओ माई गॉड, मैंने अभी अपना रूम देखा है, बट रूम देखने से पहले ही मेरे को इस जगह से प्यार हो गया है। मतलब आई जस्ट कांट इवन टेल यू, इतना सुंदर व्यू था जब पूरे रास्ते जो हम लोग आए हैं ना, इतना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा था मैं कोई कार्टून की दुनिया में हूँ। या मैं आपको पहले रूम टूर दे देती हूँ, सबसे मजा आता है मुझे रूम टूर देने में। अंदर चलते हैं, यहाँ से एंटर करते सबसे पहले है कबर्ड, इसमें काफ़ी चिड़चिड़ आवाज़ आ रही है, बट काफ़ी सही साइज का कबर्ड है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस ह्यूज वॉशरूम, एंड मुझे ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली यही होता है कि रूम्स चाहे कैसे भी हो ना, वॉशरूम्स शुड बी क्लीन, एंड काफ़ी बड़ा है एंड इट्स क्लीन।
परफेक्ट एंड प्लीज़ यार मेरी शक्ल थोड़ी इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। एंड यहाँ पे है एक और मिरर, यहाँ पे पानी एंड दैट्स मी, यहाँ पे अपना कॉफ़ी का सामान सब कुछ। एंड द बेस्ट पार्ट इज द रूम, OMG लुक एट दिस, दिस इज सो 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 क्यूट। एंड दिस इज़ अ डुप्लेक्स बाय द वे, सो एक बेड है वहाँ सबसे ऊपर एंड एक बेड यहाँ पे है। आई थिंक वहाँ पे सिंगल बेड होगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे ये सिटिंग एरिया एंड यार दिस बैल्कनी एंड दिस व्यू, शिट दिस व्यू, ओ माय गॉड, मेरे पास मैं एक्चुअली वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ, दिस इज जस्ट सो प्रिटी। एंड ये नीचे मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, वहाँ मैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने वाली हूँ। एंड आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा बहुत सुहाना मौसम हो रखा है, हो सकता है कि शायद बारिश भी हो जाए एंड हम ठंड के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लाए, बट या सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ सुपर 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 क्यूट एंड लेट मी जस्ट शो यू। सो यहाँ पे तो जस्ट टीवी वगैरह है, ऊपर देखते हैं यार ऊपर क्या है। ओके दिस इज सो डैम क्यूट, सो दिस इज, यहाँ पे भी इन्होंने बेसिकली डबल मैट्रेस डाली हुई है, तो यहाँ पे हम चार लोग एक्चुअली स्टे कर सकते थे, सो बट वी आर जस्ट थ्री पीपल एंड यार दिस इज सो क्यूट। यहाँ पे भी इन्होंने कबर्ड साइड टेबल टाइप दिया हुआ है, सो यार दिस इज हाउ आर रूम लुक्स लाइक। मैंने ना अभी दोनों को बाहर निकाल दिया है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, आई एम इन लव विद इट। एंड अभी आई थिंक हम सोने वाले हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सुबह से हम लोग जग रहे हैं। एक्चुअली मेरी तो ना पिछले एक हफ्ते से नींद ही पूरी नहीं हुई है, तो अभी हम यही प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सो जाते हैं एंड उसके बाद थोड़ा हमने, मैं रास्ते में आते वक्त ही मैंने खाना वाना ऑर्डर कर दिया था, खाना खाएंगे रेस्ट करेंगे, आज के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एंड मेरे को ना एक्चुअली ऐसी प्लेस चाहिए थे जहाँ पे मैं बैठ के ना सिर्फ चिल कर सकूं, ज़्यादा कुछ ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ये एग्जैक्टली वो जगह है जो मैं सोच के आई थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम शांति, क्लोज टू नेचर। बैठ के मैं एक दिन यहाँ पे अपना दिन बिताऊंगी, आई जस्ट नीडेड दिस ब्रेक, ओ माय गॉड दिस प्लेस इज सो क्यूट। इनका ये डिमसम ट्राई करते हैं यार, मैं अपना ट्राईपॉड क्यों नहीं यूज कर रही, दैट इज माय ट्राईपॉड, अपना बागर भूल गए, लेके आना प्लीज ट्राईपॉड लेके आना प्लीज यार, ले आना प्लीज बारून, मेरे को भी बहुत भूख लगी है ना। कैसा है ये? बहुत मिर्ची है इसमें, मैं क्या दिखा रही हूँ उनको। आई एम हैविंग माई टी, इन दोनों ने मुझे ऊपर फेंक दिया है लिटरली, और इन दोनों खुद मस्त बेड पे नीचे सो रहे हैं। और आज ना मैंने ना बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया क्योंकि हम सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल रहे थे, तो देर वॉज नो पॉइंट कि मैं मेकअप लगा के निकलूँ। अब मैं जितना भी तैयार होंगी ना वो मैं कर लूँगी। ओह मैंने ना कल के लिए बहुत अच्छा आउटफिट लिया है अर्बैनिक से, क्योंकि मेरे मन में था कि मैंने मुझे बहुत सारी रील्स और पिक्चर्स वगैरह अच्छी क्लिक करनी है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना मेरे पास ढंग की पिक्चर्स होती ही नहीं है। सो लेट्स सी, पारू मैं तेरे बूट्स लूँगी, चल वो मेरे बूट्स हैं। आई बड़ी मतलब मैंने ही वो जूते दिलाए हैं और वो मेरे को ही देने से मना कर रही है, मतलब हद होती है। ओए गाड़ी सामने लगाओ यार, अरे यार कॉपीराइट लग जाएगा, हद होती है। डिस्को वाला माहौल हो रहा है, लेकिन डिस्को करने के लिए लोग नहीं है, ये पूरा होटल हमारा है। मेरे टॉप के साथ मेरी प्लेट मैच कर रही है, कटोरी भी, बहुत स्टूपिड जोक्स चल रहे हैं और हंसी भी नहीं आ रही, बट कुछ करने के लिए है नहीं, खाना खा लिया।
और इतने बोरिंग हो गए, इतना मजा नहीं आया कि बोरिंग कंपनी है। तीनों अपने अपने में थी और हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी, और यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और हम जा रहे हैं अपने रूम। बाय। Para